मात्र पांचवी पास अगर आप पांचवी पास हो तो आप इस भर्ती के लायक हो, फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। अपने को इन अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है और ट्रेड टेस्ट पास करना है। भाई बिल्कुल भाई, जिस चीज में हम परफेक्ट हैं उस चीज का बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्र देखेंगे, वो दिखाओ भाई किस चीज। जय हिंद जय भारत। साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। कौन सी भर्ती आई है देखिए, ये जो भर्ती है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चपरासी सीधी भर्ती 2023, यानी कि साथियों इंडिया के जो भी व्यक्ति हैं वो सभी इसमें फॉरम आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, महिला हो चाहे पुरुष हो। देखिए ये जो फॉरम है कैसा है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, इनकी लास्ट डेट क्या है, और आपको सीधी से बात बताऊं ये ऑफलाइन है ना, तो आपको कहाँ पे भेजना है, इसका पता क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। और हम आपको बताएंगे पद भी बताएंगे, इसके पद इसमें बहुत ही अच्छे खासे हैं। देखिए पद बहुत ज्यादा हैं इसमें, देखिए चौकीदार के भी हैं, धोबी के भी हैं, है ना, और भाई सफाई कर्मचारी के भी हैं, सभी इसमें पद हैं, टोटल बताने वाले हैं। और एक बात और खास बताऊं आपको, इसमें बिना परीक्षा की भर्ती है, हाँ बस आपको काम करवा के देखेंगे, काम अगर आता है आपको तो बस सिलेक्शन पक्का है, काम करवा के देखेंगे और थोड़ा सा बस उस काम के बारे में पूछेंगे, ठीक है, बस ज्यादा कुछ और कुछ नहीं पूछेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपका चयन कैसे होगा, ठीक है, पूरी जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ, और आपको जो फॉरम देखना है, फॉरम कहां पे भेजना है, उसके भी हम आपको लिंक बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी देंगे हम आपको। बस इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो सभी आपके साथ मेरे दोस्त शेयर की जाती हैं, और वो भी बिल्कुल हिंदी भाषा में। तो बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, है राजेश सर जो कि आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस भर्ती, ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी बता दीजिए, वेतन भी बताएंगे, इसमें अच्छा खासा वेतन है, बहुत ही जबरदस्त वेतन है, ठीक है, वेतन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो राजेश सर इनको बता दीजिए पूरी जानकारी। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, ये जो चपरासी भर्ती है जिसको भृत्य के नाम से जाना जा रहा है, भृत्य, आपको जब ऑफलाइन फॉर्म भेजना है ना तो उस लिफाफे पे लिखना होगा पद नाम भृत्य, समझ रहे हो प्यारे साथियों। इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, वेतन क्या है, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ से भरना है, कहाँ पे भेजना है, तमाम जानकारी मैं आपको साझा करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं, बिना परीक्षा की भर्ती है, ऑफलाइन है ये प्यारे साथियों, ऑफलाइन आवेदन शुरू है 26 जून से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है प्यारे साथियों 13 जुलाई, यानी कि 13 जुलाई से पहले पहले आपके डाक के माध्यम से फॉर्म पहुंच जाना चाहिए ठिकाने पे, जहां पे ये भर्ती निकल रही है वहां ठिकाने पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। आगे की बात करें, ये महिला पुरुष दोनों के लिए है, और ऑल इंडिया में पूरे भारत के पुरुष और महिला फॉरम भर सकते हैं। भाई आप चाहे कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, फॉरम आप लगा सकते हो, ऑल इंडिया की है ये, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर हम फॉरम नहीं लगा सकते, क्या हम नहीं लगा सकते, अरे भाई सब लगा सकते हो इसमें, जो भी भारत के व्यक्ति है सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली बात करें, बिना परीक्षा की भर्ती है प्यारे साथियों, सिलेक्शन कैसे होगा सारी जानकारी देंगे, पद कौन कौन से हैं, वैसे जो मेन पद है इसका नाम जो लिखा गया है पद का, उसे है भृत्य पद से जाना गया है, भृत्य। अब भृत्य में कौन कौन आ गए, वाटरमैन, पानी भरने वाला, बिल्कुल भाई पानी वाणी भरेंगे ना वहां पे, बाल्टी उठाओ और पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाने वाले नहीं लगे रहते हैं साइकिल पे, वो कैनी धर करके, कोई ड्राम धर करके, वो छोटे छोटे वो भर भर के लाते रहते हैं। चौकीदार का पद है, चौकीदारी करने वाला, ठीक है, वहां पे जो है सुरक्षा प्रहरी के रूप में। और भाई देखिए इनको एक बात और बता दूं, अभी ये ऐसे सोच रहे हैं कि सर हमको पानी कहाँ पे भरना होगा, अरे भाई पानी आपको यहाँ पे भरना होगा कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश में, समझ रहे हो, वहां पे पानी भरना होगा आपको। भाई पानी की कमी, जब खाना उना बनाते हैं तो पानी कम पड़ जाता है, जो व्यक्ति पीते हैं, जो अधिकारी पीते हैं, उनका पानी कम पड़ जाता है, तो पानी आप लेकर आओगे, सीधी सी बात आपको वही मिलेगा, हैंडपंप हो या कोई टंकी हो, ठूटी हो, कोई भी हो, वहां
वहाँ से आपको भर भर के लाना पड़ेगा। भाई देखिए, जहाँ पे कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश में जितना पानी चाहिएगा उतना पानी आपको देना होगा लाकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। चलिए अगला माली का पद है, जैसे फूल फाल बगीचे बगीचे हैं, उनके गार्डन वार्डन हैं, उनमें पानी वानी देना है, सिंचाई विचाई करनी है, पेड़ पौधों की छंगाई कटाई करनी है, ये काम रहेगा। कुक का भी पद है, भाई रोटी सब्जी बनानी है, नाश्ते पानी बनाना है, समझ रहे हो, चाय पानी बनानी है, अधिकारियों के लिए कॉफी बनानी है, तो ये चीजें कौन करेगा, कुकमैन करेगा। बिल्कुल, ये है। अगला एक पद है इसमें ड्राइवर का, भाई गाड़ी उड़ी चलानी है, जीप चलानी है, बस चलानी है, ठीक है, तो जिप्सी होती है वहां पे वो भी चलानी पड़ती है। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश में बुलेरो गाड़ी होती है ज्यादातर, वैसी भी गाड़ियां होती हैं फोर व्हीलर, वो आपको चलानी पड़ेंगी। गार्ड के भी पद हैं, भाई गार्ड जो है सुरक्षा गार्ड, उनके भी पद हैं, कोई गेट पे खड़ा कर दे किसी को, भाई न्यायाधीश के सामने गेट पे खड़े रहते हैं, भाई ज्यादा भीड़ नहीं है, होनी चाहिए, एक एक को भेजो अंदर, इस प्रकार से वो गार्ड भी रहते हैं। भाई अधिकारियों की जब गाड़ी जाती है तो हाँ, खोलने का काम होता है, गेट खोलने का काम होता है, ये काम होता है उसमें। धोबी का भी पद है, भाई जो अफसर लोग हैं उनके कपड़े लत्ते धोने का काम है। बिल्कुल, ठीक है, जो अधिकारी लोग हैं उनके कपड़े धोते प्रेस वगैरह कर दे, तो ये धोबी का काम रहेगा। मिस्त्री का पद है एक, इसमें भाई मिस्त्री कोई गाड़ी वाड़ी खराब हो गई हो, समझ रहे हो, तो उसको सुधार दे, छोटी मोटी जो समस्या है वो मेट दे उसकी। भाई बिल्कुल, जब कहीं भी रास्ते पे अगर गाड़ी की मिस्टेक हो जाए अधिकारियों की, तो उनको सुधारेगा कौन, फिर वही सुधारेगा। बिल्कुल, बड़ई का भी पद है इसमें, बड़ई जानते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, खाती। बिल्कुल भाई, वहां पे जो है इनकी चेयर वगैरह भी बनानी है काठ की, ठीक है, टेबल वगैरह भी बनानी है, और कुछ भी छोटा मोटा सामान बनाना है लकड़ी का, तो वो चीजें खाती करेगा, जैसे खाट वगैरह, बेड पलंग बना दिया, ये चीजें। प्लम्बर की भी, प्लम्बर वही होते हैं छोटे मोटे काम करने वाले। इलेक्ट्रीशियन का भी पद है, भाई कोई बिजली उजली का काम है, कुछ खराबी आ गई उसको सुधार दे, कोई तार वार लगा दे, जैसे कोई अधिकारी के कमरे में कुछ एसी वगैरह खराब हो जाए तो उसका तार तूर हट जाए, चूहे चाहे भी काट देते हैं ना, ये मुँह से मासे काट देते हैं तारों को, तो इनको सही कर दे, ये काम इलेक्ट्रीशियन का रहता है, बिजली वाला काम, और ये छोटा मोटा तार वार सही करने का, ये काम इलेक्ट्रीशियन का रहता है। तो ये इसमें पद हैं। अब प्यारे साथियों, इसमें आपको अनुभव होना चाहिए और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि यदि आप कुक से भर रहे हो, रोटी सब्जी बनानी नहीं आती, तो वहां जाके खड़े हो जाओगे, ना जी मान थोड़ी बनानी आओ, अब सीखांगा, सिखाओ साहब, कोई नहीं सिखाने वाला है मेरे प्यारे साथियों, सीख के जाओ घर से और वहां बना के खिलाओ उनको। बिल्कुल, तब, और इसी चीज का आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा, काम करवा के देखेंगे आपसे, आपसे काम करवाएंगे, वहां खड़े होके सब्जी रोटी बनवाएंगे, अब लगा तड़का, आप दे छोकन, बिल्कुल, फिर कैसे देते हो वो देखेंगे वो। भाई आपको वेतन किस बात का मिल रहा है, अगर आप वहां पे जाके काम सीखोगे तो आपको वेतन कौन देगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है ना, इंटरव्यू किस चीज का हो रहा है आपका, ट्रेड टेस्ट किस चीज का हो रहा है, जब आपको काम आता है तभी तो आप ट्रेड टेस्ट दे पाओगे, तभी तो आप ट्रेड टेस्ट को पास कर पाओगे, अगर आपको काम नहीं आता है तो ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू किस बात का लेंगे फिर वो, ठीक है, तो ये बातें हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसकी, तभी आप इसमें ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू अच्छी तरीके से दे पाओगे, ठीक है। आप किस पद से भरना चाहते हो, उस पद की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, काम भी आना चाहिए। भाई अगर आप ड्राइवर से हो तो ड्राइवर में गाड़ी चलानी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर भाई कुक से हो तो आपको मतलब खाना बनाना आना चाहिए, सीधी सी बात है, और ये तो करवाए नहीं कि भाई सभी के लिए हमें यार ट्रेड टेस्ट पास करना है, कोई एक के लिए, आप चुन लो कौन सा पद आपके लिए बेस्ट है, बस। अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है मेरे प्यारे साथियों, बाद में ये मत कहना कि अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में नहीं बताया है सर ने, अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, किसी भी फर्म से बनवाओगे जहां पे आपने काम किया है, एक साल दो साल जितने भी दिन काम किया है उतने दिन का आपको अनुभव प्रमाण पत्र पेश करना होगा, वहां पे फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि ये बंदा फ्रेशर नहीं है, ये नया बंदा नहीं है, इसको तो काम आता है। बिल्कुल, तो वो वहां पे करके देगा काम, समझ रहे हो, इस वजह से यहाँ पे भर्ती निकली हुई है, तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, जैसे नगर पालिका में अनुभव प्रमाण पत्र लिया जा रहा है, इसी प्रकार से इस भर्ती में भी अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। बिल्कुल,
अगली बात करें, वेतन आपका 15,600 रुपए है, उसके बाद में बढ़ता रहेगा। बहुत ही अच्छा खासा वेतन है। चयन कैसे होगा? इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। बता दिया, ट्रेड टेस्ट काम करवा के देखेंगे। भाई धोबी है तो कपड़े धो के दिखा। बिल्कुल भाई, धोबी घाट किधर है? धोबी घाट के थपा थप थप थपा थप पानी वानी डाल, रस्से मारो, बढ़िया तरीके धो, प्रेस करो, ये चीजें। ठीक है प्यारे साथियों, योग्यता क्या है? पांचवी पास, मात्र पांचवी पास। अगर आप पांचवी पास हो तो आप इस भर्ती के लायक हो, फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। अपने को इन अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है और ट्रेड टेस्ट पास करना है। भाई बिल्कुल भाई, जिस चीज में हम परफेक्ट हैं उस चीज का अनुभव प्रमाण पत्र देखेंगे, वो दिखाओ भाई किस चीज में परफेक्ट हो। और ऑफलाइन फोरम है, फोरम में ही भरना है कि भाई कौन से पद से फोरम भर रहे हो, सारी जानकारी देंगे। योग्यता पांचवी पास है। अब कुछ भाई बहन ऐसे कमेंट कर रहे थे पिछली भर्ती में भी, सर मेरे पास पांचवी की मार्कशीट नहीं है तो क्या मैं आठवीं से भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक क्या है, शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र कहां से लाएं सर? बनवाना तुम्हारी मनमर्जी से नहीं है, तुम्हें नोटरी भी करवानी है, उस पे जो है 5 रुपए का स्टाम्प पे लिखवाना है। स्टाम्प जानते हो, ये पूरा 5 रुपए का यहाँ पे स्टाम्प है और यहाँ पे ये पन्ना है, फॉरम है ये, इसमें यहाँ पे शपथ पत्र इस प्रकार से। और कहाँ मिलेगा ये शपथ पत्र? इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। अपनी मनमर्जी से मित्र वाले से मत छपवा लेना, और अपनी मनमर्जी से किसी वकील से मत पूछ लेना कि सर मेरा बना दो ऐसे, टाइपिंग वाला तो छाप देगा, उसको तो पैसे चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं वहाँ तहसील में, वहाँ पे उनसे नहीं बनवाना है। पहले तुम्हें फॉरम निकालना होगा, इसकी वेबसाइट का नाम बताऊंगा मैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शपथ पत्र मिलेगा, फॉरम भी आपको यही मिलेगा। दोनों को पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको निकलवाओ, और उस शपथ पत्र को फिर लेके जाओ आपकी तहसील में, और वहां पे उसको भरो, अपना नाम, गाम, पता, पद, कौन से पद से हो, आठवीं की मार्कशीट लगाने के लिए ये सब सिस्टम करना पड़ेगा आपको। और यदि पांचवी की मार्कशीट लगाते हो तो कोई शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। आठवीं की लगाते हो कि सर मेरे तो पांचवी की खोगी खोगी भाई, सब मुंह सकाट दिया, पता नहीं कब किया था। हाँ पता नहीं साहब कब किया, वो तो गड़गुड़गी गड़गुड़गी, अब आठवीं की है साहब, तो आठवीं की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपको शपथ पत्र बनवाना है, और ये शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना, उसी में है ये शपथ पत्र भी और फॉरम भी। और फिर कई भाई बहन ऐसे भी कहेंगे सर हमारी तो भाई एज इसमें कितनी है, तो एज भी बताएंगे कितनी मांग रहे हैं। एज की भी बात करेंगे, सब कुछ ही बताएंगे आपको। 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। देखिए पहले मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो भी पहले पांचवी पास करते थे, अब वो भी उठ रहे हैं, अब वो भी ऐसे सोचेंगे कि यार मैं भी भर सकता हूँ, इसमें हो सकता है। तो भाई देखिए 18 से 30 वर्ष के जो भी व्यक्ति है वो इसमें फॉरम आवेदन कर सकते हैं। अब भाई जो 30 से ऊपर जा रहे हैं वो तो भाई नहीं कर सकते इसमें, सीधी सी बात। और भी बताएंगे, एज बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स देख लो पहले आप फटाफट। मार्कशीट भाई या तो पांचवी हो या फिर आठवीं हो, दो ही। अगर किसी भाई बहन ने ये समझ करके 10वीं 12वीं BA ग्रेजुएट की मार्कशीट लगा दी कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्या पता मुझे ले लेंगे, अरे तुम्हें तो इंटरव्यू में ही नहीं बुलाएंगे वो। बिल्कुल भाई नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि पांचवी से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चलने वाला, ओनली फॉर आठवीं। वो भी किस लिए कि भाई पांचवी ना हो उसके पास तो आठवीं लगा देगा और वो शपथ पत्र बनवा के लाएगा, तभी उसको मान्य करेंगे। यदि किसी भाई बहन ने 10वीं की लगा दी, 12वीं की लगा दी, तो आपका फॉरम ही रिजेक्ट कर देंगे वो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको वो नहीं लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल कम पढ़े लिखे को लेंगे, और उसी के लिए ये भर्ती निकल रही है। तुम ये मत सोच लेना कि मैं BA हूं, BEd हूं, MA हूं, लगा देता हूं, क्या पता नंबर मिल जाएंगे। ये आंगनबाड़ी भर्ती नहीं है कि आपके नंबर जुड़ते चले जाएंगे और आपका मूल्यांकन में बढ़िया नंबर आएगा, ये वो नहीं है प्यारे साथियों। इसमें मात्र पांचवी पास की मार्कशीट लगानी है, और या पांचवी की नहीं है तो उस कंडीशन में फिर आठवीं की लगानी है, और वो शपथ पत्र तैयार करवा लेना वो निकलवा के। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सबके पास है, मूल जाति सबके पास है, पैन कार्ड सबके पास है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, पहचान पत्र सबके पास है, नहीं है तो जरूरी नहीं है, दो फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र तो जरूरी है, ये तो भाई इंपोर्टेंट है, इसके बिना तो कैसे, इसके
बिना काम ही नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखना। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्सों की फोटो करवा के लिफाफे में पैक करना है, और लिफाफे में एक तो फॉर्म पैक करना है जो भर करके, वो फॉर्म आपको ऑनलाइन इसी की साइट बताऊंगा उस पर मिलेगा, ठीक है। और फिर उसमें ये शपथ पत्र, यदि आप आठवीं की लगाते हो तो शपथ पत्र बनवाओ, नहीं लगा रहे हो पांचवी है तुम्हारे पास तो पांचवी है तो शपथ पत्र को गोली मारो, क्या जरूरत है फिर जब पांचवी पास की है। तो तुम्हारे एज 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को जिस भी भाई बहन की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो वो फॉर्म भर सकता है। और 10 साल की छूट किसको मिलेगी, जो स्थानीय निवासी हैं। ये जो भर्ती है ना मेरे प्यारे साथियों, ये छत्तीसगढ़ की है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको 10 साल की छूट दी जा रही है, यानी कि वो 40 साल तक भी हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे मत सोचना कि भाई हम तो यार छत्तीसगढ़ से हैं, अरे भाई ऑल इंडिया की भर्ती है, फॉर्म तो सब भर सकते हैं, उम्र 18 से 30 है सबके लिए, बिल्कुल। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको छूट, उनको फिर 10 साल की छूट है, वो 40 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और मार्कशीट और अनुभव प्रमाण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल भाई, और कार्यवाही भी की जा सकती, कार्यवाही भी की जाएगी। यदि आपने मार्कशीट फर्जी बनवा ली, अरे पांचवी की तो जरूरत है, मास्टर जी करियो 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 आप लाग रहा पांचवी पास में लाग करो करी। और वो पहले वही होता था ऑफलाइन, वो पर्चा पे बनवा के पन्ने का, पन्ने का कागज की, मेरी खुद की कागज की तो है मार्कशीट पहले वाली, चढ़ायो पता नहीं चलता भाई, ओरिजिनल है नौकर दे देगा खर्चो पानी, चढ़ायो साहब देखा नौकरी लाग रहा था, आप थार भाई लाग रहे हो सब, थार भाई पांचवी पास अब बना दो और पैसा बता दो कितना लोगा, बस ये काम का। ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहां पे जांच होगी तब फंसोगे आप, बिल्कुल नौकरी लगे लगाए भी हट जाओगे, फिर क्या फायदा है भाई, और कार्रवाई भी होगी। फोरम कहाँ मिलेगा सर, फोरम मिलेगा https. ये वाले डंडे DISTRICTS डिस्ट्रिक्ट ECOURTS ecourts.government.in बिलासपुर, बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये जो भर्ती है ये निकल रही है। और आपको बता देते हैं फोरम आपको कहाँ भेजना है, ऑफलाइन फोरम भर के भेजना कहाँ है, टू लिखोगे वहां पे, समझ रहे हो, एक तो होता है फ्रॉम, इसमें तो क्या लिखना है स्वयं का पता, इसमें तो आपको भाई लिफाफा है ये, बिल्कुल ये लिफाफा है, अब इस लिफाफे में यहाँ तो लिखोगे फ्रॉम ऊपर ही ऊपर, फिर फ्रॉम में क्या लिखोगे, खुद का पता, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, पता, और इसी पे लिखा मिलेगा आपको पदनाम, पदनाम में क्या लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि इसके पद लिख दिए आपने, नहीं, भृत्य ये पद लिखना है, भृत्य, इस भृत्य में ही आपको ये सारे पद वहां पे मिलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से सारे लगा देना, इनकी फोटोकॉपी करवाओ, ठीक है, फॉर्म लिख दिया, अब यहाँ पे लिखना है टू, अब टू का मतलब क्या होता है, किसके पास भेजना है, तो आपको भेजना है जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, यहाँ फॉर्म भेजना है, पदनाम लिखना है भृत्य।